नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीटू। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी को बार बार पेशाब आने की बीमारी है या फिर किसी का पेशाब ज्यादा पीला आता है तो आप इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हो। कोई भी अगर आपको मूत्र विकार है, मूत्र से संबंधित जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, तो मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि सभी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। ये बीमारी बिल्कुल हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आयुर्वेदिक नुस्खा दोस्तों, 1% भी उस नुस्खे का साइड इफेक्ट नहीं है और बिल्कुल फ्री का है। आप अपने हाथों से अपने घर पर अपने घर के सामान से इस मेडिसिन को तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको पहले ये बता दूं कि बार बार पेशाब आता क्यों है। जो हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है, जो ये हमारे माइंड से ये संकेत देता है कि हमको पेशाब करना है, वो ज्यादा हाई सेंसिटिव हो जाता है, जिस वजह से हमारे दिमाग के अंदर हमारे दिमाग को बार बार ये मैसेज आता है कि हमको पेशाब करना है। बहुत सारे और भी परेशानियों की वजह से ये, जैसे कोई लंबा बीमार चला हुआ है उसको भी ये परेशानी आ जाती है, या फिर किसी को अगर पेशाब की नाली लगी थी बहुत दिनों पहले, अगर किसी को पेशाब की नाली लगी थी तो उसको भी ये परेशानी हो सकती है। अब आप दोस्तों इस परेशानी को कैसे ठीक कर सकते हो, अपने पेशाब के पीलेपन को या फिर बार बार पेशाब आने की बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हो, बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जो पीले रंग का पेशाब आता है वो ज्यादातर गर्मी हो जाती है जब हमारे शरीर के अंदर, तब आता है, या फिर हम बहुत कम बार पेशाब करते हैं दिन में तो भी हमारे पेशाब का रंग पीला आता है। आप ये मत सोचिए कि हमको पी लिया ही हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप दोस्तों बार बार पेशाब आने की बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हो, आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो चने होते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं दोस्तों, एक तो नॉर्मली चने होते हैं, भुने हुए चने होते हैं, हर रोज आप खाली पेट 50 से 60 ग्राम भुने हुए चनों का सेवन कर लीजिए और ऊपर से आप इतने ही 50 से 60 ग्राम गुड़ का सेवन कर लीजिए। चने खाने के तुरंत बाद आप 50-60 ग्राम गुड़ खा लीजिए और उसके ऊपर से एक गिलास आप गुनगुना पानी पी लीजिए। ऐसा आप दोस्तों लगातार 10 दिन तक कीजिए। लगातार 10 दिन के बाद आपको ये बार बार पेशाब आने की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी आपको मूत्र विकार हैं, जैसे कि पेशाब में जलन होना या फिर आपके पेशाब का रंग ज्यादा पीला होना, ये सभी बीमारियां आपकी इस नुस्खे से खत्म हो जाएंगी। और चने और गुड़ के दोस्तों और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो, आपकी बहुत सारी बीमारियों को ये खत्म करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस नुस्खे का ज्यादातर कितने भी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकता है कितनी भी उम्र का, नो इसका 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है और आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल रंग सब्सक्राइब करूँ उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। दोस्तों इसमें आपको परहेज थोड़ी सी तली हुई चीजों के और थोड़ी लाल मिर्च वगैरह के, जो ज्यादा तीखी चीजें होती है उनका सेवन बंद कर देना ताकि आपके पेशाब के अंदर ज्यादा जलन ना हो और आपका पेशाब जो मूत्र विकार है उस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको काफी हेल्प मिले अगर आप परहेज करोगे तो। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।